नया अकाउंट बनाते ही लगभग आपको फ्री में $8,200 का रिवॉर्ड मिलने वाला है। और ये रिवॉर्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुकॉइन एक्सचेंज पहला ऐसा इंटरनेशनल एक्सचेंज बन चुका है जो कि FIU इंडिया के साथ में रजिस्टर हो चुका है। यानी कि अब से कुकॉइन एक्सचेंज अपनी सर्विसेज इंडियन यूजर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा कुकॉइन एक्सचेंज ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि किस प्रकार से आपका जो TDS है वो डिटेक्ट होगा जब भी आप ट्रेड करेंगे कुकॉइन एक्सचेंज पर। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि कुकॉइन एक्सचेंज पर INR पेयर भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट को भी यहाँ लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अब आप आसानी से एज ए इंडियन यूजर कुकॉइन एक्सचेंज पर अकाउंट बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आप किस प्रकार से कुकॉइन एक्सचेंज पर अपना एक नया अकाउंट बनाएंगे, किस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर लिंक करेंगे, किस प्रकार से अपनी KYC कंप्लीट करेंगे। और खासकर KYC को कंप्लीट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पैन कार्ड को यूज करके KYC करनी है, क्योंकि कुकॉइन एक्सचेंज अब से आपका TDS भी डिटेक्ट करेगा। एक नया अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो कुकॉइन एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था 2017 में, एंड कुकॉइन एक्सचेंज पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पिछले 24 घंटे में $1 बिलियन से भी अधिक का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो जनरेट हो चुका है। और कुकॉइन एक्सचेंज पर जो यूजर्स का फंड रखा हुआ है उसकी वैल्यू लगभग $5 बिलियन बनती है। और अगर वहीं पर रैंकिंग की बात करूं मैं यहाँ पर स्पॉट में फॉर एग्जांपल, सो स्पॉट में लगभग 7 नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। डेरिवेटिव्स यानी कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बोल सकते हैं, सो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी लगभग 7 नंबर पर रैंक करता है। एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको काफी सारे जो कॉइन्स है वो मिल जाते हैं लगभग 186 के समथिंग। और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं सो लगभग 790 कॉइन्स है, यानी कि बाइनेंस से भी अधिक जो कॉइन्स है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कुकॉइन एक्सचेंज पर अकाउंट बनाने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक को फॉलो करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। कुकॉइन एक्सचेंज पर आप अपने मोबाइल नंबर को यूज करके और ईमेल आईडी को यूज करके अकाउंट यहां पर बना सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहते हैं वो आप यहां प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में क्रिएट एंड क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे रेफरल को यूज करके अकाउंट बनाएंगे तो जो भी ऑफर चल रहा होगा वो एप्लीकेबल होगा। मैंने इसलिए बोला क्योंकि रिवॉर्ड चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ईमेल आईडी को यूज करके अकाउंट बनाना चाहता हूँ, सो मैंने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट एंड क्लेम रिवॉर्ड पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में प्रोसेस होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। हो सकता है आपको कैप्चा है सो आप कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे हमारे द्वारा 6 डिजिट का कोड भेजा गया है, उस कोड को आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा और ईमेल में आपको कोड मिलेगा। अब मुझे जो भी कोड मिला है वो कोड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बाद में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। सो आपकी स्क्रीन पे आपको पासवर्ड दिख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाने हैं। फर्स्ट अक्षर आपको कैपिटल रखना है, उसके बाद में स्मॉल, उसके बाद में अल्फाबेट, उसके बाद में मैथमेटिक्स। जब आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं उसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पासवर्ड सेटअप हो जाएंगे एंड आपको यहाँ वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको KYC को कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आप ब्राउजर को यूज करके KYC मत कीजिएगा क्योंकि आपका जो KYC है वो कंप्लीट नहीं होगा। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ऐप स्टोर के माध्यम से एंड प्ले स्टोर के माध्यम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ही जगह अवेलेबल है, या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे ऊपर ही आपको यहाँ पर ऐप का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी मोबाइल आप यूज कर रहे होंगे ना उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद में आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा कुकॉइन एक्सचेंज के एप्लीकेशन का। आपको होम स्क्रीन पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो ऊपर आपको यूजर का लोगो मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपके द्वारा ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को यूज करके अकाउंट क्रिएट किया गया है उसके अनुसार आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड अपने पासवर्ड प्रोवाइड करवाएंगे।
उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बैनर देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर लिखा होगा वेरीफाई योर अकाउंट एंड यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको वापस से एक नए पेज पे भेजा जाएगा जहां पर आपका करंट स्टेटस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर गेट वेरीफाइड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें। सो मैं इंडिया से हूं, मैं यहाँ इंडिया को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आपको आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है। सो अब आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आईडी कार्ड का, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पासपोर्ट का, तीसरा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस का। अब फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है जहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए बोला जाए या पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए बोला जाए। और एज ए इंडियन यूजर आपको पैन कार्ड को अपलोड करना होगा क्योंकि 10 अप्रैल 2024 से ऑफिशियली टीडीएस डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कुकॉइन एक्सचेंज पर। तो आपको यहाँ पर आईडी कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है जो कि लीगली नेम है डॉक्यूमेंट्स में, लास्ट नेम और आईडी नंबर। सो जो भी पैन कार्ड नंबर होगा वो मैं यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कुछ बातें हैं वो लिखी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आईडी कार्ड है ना वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए और वहां पर क्लियर फोटो दिखना चाहिए, कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो यानी कि फ्लैश लाइट वहां पर जुड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो आईडी कार्ड है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए आईडी कार्ड के अलावा। जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है सो आप यहाँ टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जो कैमरा है उसका एक्सेस देना है, सो आप अलाउ करेंगे। उसके बाद में कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक एरिया दिखाई दे रहा है। इस एरिया में आप अपने कार्ड को रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो फोटो है वो अपने अनुसार ले लेगा। जब आप पैन कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड कर देते हैं उसके बाद में आपसे बैक अपलोड करने के लिए बोलेगा, सो आपको पैन कार्ड का जो बैक फोटो है वो अपलोड करना है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा वैसे ही आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जो कि होगा आपको अपना फेस कैप्चर करना है। जब भी आप फेस कैप्चर करते हैं व्हाइट एरिया आपको दिखाई देगा, व्हाइट एरिया अगर है इसका मतलब फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है, और जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब कि आपका जो फेस है वो अच्छे से दिख रहा है और वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरा जो फेस है सिंपली वो इसने डिटेक्ट किया और मेरा जो फेस आईडी है वो भी ऑटोमेटिक सबमिट हो चुका है। उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट हो जाएगा, आप यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। फिलहाल आपका जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो आपको प्रोसेसिंग में दिखाई देगा क्योंकि आपके द्वारा जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट कर दिए गए हैं। अब रिव्यू किया जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो ठीक हैं या फिर नहीं। जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड आपको शो होगा, और अगर किसी भी कारण से आपका जो वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाता है सो वापस से आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक पॉपअप आया जस्ट कि मेरा जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुका है। एक बार मैं बैक आऊंगा एंड रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि मेरी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है उसको आप फिलहाल क्लेम भी कर सकते हैं, जस्ट आप क्लेम पर क्लिक करेंगे। क्लेम पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ नॉर्मल से टास्क दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे वैसे वैसे जो रिवॉर्ड है सिंपली वो अनलॉक होता जाएगा। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप कुकॉइन एक्सचेंज पर अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं, केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एरर आता है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।